प्यारे बच्चों, आज फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाए हैं। और वीडियो चैप्टर किस चैप्टर की है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव होता क्या है? ये वैद्युत विभव किसी आवेशी चालक का वह गुण है जो दो आवेशी चालकों को परस्पर संबंधित कर देने पर उसमें वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, प्रवाह को निर्धारित करता है। फिर सुनिए, वैद्युत विभव किसी चालक का वह गुण है जो दो आवेशी चालकों को परस्पर जोड़ने पर, संबंधित कर देने पर, मतलब जोड़ने पर उनके आवेश प्रवाह की दर को निर्धारित करता है। और दूसरी, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या आती है? जो वैद्युत विभव है वो क्या करता है? जो घनात्मक आवेश है, घन आवेश, सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहते हैं, जबकि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहते हैं। अब जो वैद्युत विभव है वो किस पे निर्भर करता है? दो, हम एक सीधा साधारण भाषा में कहते हैं, दो आवेशित वस्तुओं के बीच वैद्युत आवेश प्रवाह की दर उनकी विभव की मात्रा पर निर्भर करती है, ना कि उन वस्तुओं पर वैद्युत आवेश की मात्रा पर। जब अगर हमने दो वस्तुएं रखी हैं, दोनों वस्तुओं को हमने संबंधित कर दिया, तो आवेश प्रवाह की दर किस पर निर्भर करेगी? वस्तुओं के वैद्युत विभव पर। यह कब तक बहेगा आवेश प्रवाह? कब तक प्रवाहित होगा? जब तक दोनों वस्तुओं का विभव क्या हो जाएगा? समान नहीं हो जाएगा। जब दोनों वस्तुओं का विभव समान हो जाएगा तो वह आवेश प्रवाह की दर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो वैद्युत विभव होता क्या है? अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव। अब जो हम साधारण परिभाषा वैद्युत विभव की लेते हैं, वो वैद्युत विभव की परिभाषा है, इकाई घन आवेश को अनंत से, इकाई घन आवेश को अनंत से स्रोत बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। किसी इकाई घन आवेश को अनंत से किसी स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या हो गया? W। अगर हमें इकाई घनावेश क्यू नोट को अनंत से स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने में W जूल कार्य करना पड़ा तो वैद्युत विभव कितना होगा? V वोल्ट होगा। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलम। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका विभवांतर कितना होगा? वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। हमारे पास ये स्रोत आवेश है, क्यों? ओ बिंदु पर है। हमें अनंत से पी बिंदु पर जो ओ से कितनी दूरी पर है? ओ से आर दूरी पर स्थित है। ओ से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर स्थित है। हमें क्यू नॉट आवेश को लाना है अनंत से। अब हम अनंत से जब लाएंगे तो धीरे धीरे जब यह स्रोत आवेश की तरफ बढ़ेगा तो दूरी भी कम होती जाएगी। तो माना किसी क्षण ये जो क्यू नॉट आवेश है वो ए बिंदु पर है, किसी क्षण। अब ये दोनों घनात्मक आवेश हैं तो इनके बीच में बल कैसा कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार
ओ व ए के बीच बल, बल कितना हो जाएगा बच्चों, एक बटा चार एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन, ये दूरी क्या मानेंगे हम, ये दूरी है समय x, इस दूरी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो बल कितना लग गया x स्क्वायर। अब इस बिंदु आवेश क्यू नॉट को मैं b बिंदु तक ले आया, कितनी दूरी ले आया, b बिंदु में ले आया, a से b तक कितनी दूरी विस्थापित किया, dx दूरी विस्थापित किया, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लाने में किया कार्य, डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा बेटे, एफ इंटू डी एक्स। अब जो बल है वो सीधे हाथ की ओर कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल है, और जो विस्थापन है वो उल्टे हाथ की ओर कार्य कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कितना हो गया ये, एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, अगर मैं मान रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स माइनस वन। अब क्यू नॉट को अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य, अब हम वस्तु को अनंत से ले रहे हैं, डब्लू कहां से ले रहे हैं, अनंत से आर और ये डी डब्लू, तो डब्लू कितना हो जाएगा, अनंत से आर माइनस ये हो जाएगा आपका, अनंत से आर माइनस एफ डी एक्स, मान रख दिया माइनस एक बटा चार एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डब्लू हम ला रहे हैं क्यू क्यू नॉट, अब ये क्यू क्यू नॉट माइनस साइन के साथ फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास, अनंत से आर एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, डब्लू माइनस क्यू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये अनंत से आर। अब डब्ल्यू कितना हो गया आपका, माइनस क्यू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन अनंत से आर माइनस क्यू क्यू नॉट माइनस वन बाहर आ गया फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाय एक्स, एक्स की पावर माइनस वन को मैंने क्या लिख दिया, वन बाय एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू आई, माइनस साइन को यहां पे लिख देते। अब हमारे पास डब्ल्यू क्या हो गया, माइनस हट गया, क्यू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन अनंत, तो हमें पास हमारे पास क्या बचेगा, एक बटा अनंत की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है, तो डब्ल्यू कितना बच गया हमारे पास, क्यू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाय आर वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, जो विभव होता है वो क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, तो ये आ गया एक बटा चार एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो आपके पास क्या बच गया, एक बटा चार एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, तो वी का मान क्या आ गया हमारे पास, एक बटा चार एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। बच्चों
ये बहुत साधारण सरल तरीका है इस डेरिवेशन को ड्राइव करने का, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके पेपर में आने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी, तो इस डेरिवेशन को जरूर कर लें। और अगर मेरे पढ़ाना आपको समझ में आने लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक बनता है, और अगर शेयर भी कीजिए साथियों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल जरूर दबा दीजिए, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको वीडियो मिलती रहेगी वो वीडियो आएगी, वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।